एवरीवन मेरा नाम है निशु और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओमकार लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड जो कम्पिटिटिव लेवल से काफी इंपॉर्टेंट है सो लेट स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल फ्रेडरिच मिशर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु न्यूक्लिक एसिड इन एटीन वन ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को पस सेल के अंदर डिस्कवर किया था और इसका नाम न्यूक्लिन रखा था उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलोलिक्यूल फाउंड इन ऑल सेल्स विच पार्टिसिपेट इन द स्टोरेज ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और जो पार्टिसिपेट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का और ट्रांसमिट करने का फ्रॉम वन जेनरेशन टू द नेक्स्ट जेनरेशन एंड ट्रांसलेट करने का वट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन जब आर आर एन ए से प्रोटीन की सिंथिसिस होती है इसी को ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक है आर जिसकी फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है डी जिसकी फुल फॉर्म है डिओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डी एन एज ए जेनेटिक मटीरियल की तरह काम करता है एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस वेयर आर एन ए इन्हीं वायरसेज के अंदर एज ए जेनेटिक मटीरियल की तरह काम करते हैं उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड आर आल्सो नोन एज पोली न्यूक्लियोटाइड जिसकी मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स ये मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं विद द हेल्प ऑफ फोस्फोडाइस्टर बोंड और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट फर्दर दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है एक है फोस्फोरिक एसिड जिसकी वजह से डी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करके एक स्मॉल साइज के न्यूक्लियस में पैक्ड फॉर्म में रहता है और इन प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन उसके अलावा न्यूक्लियोसाइड आर कंसिस्ट ऑफ फर्दर टू सब यूनिट फर्स्ट वन इज द पेंटोस शुगर और सेकेंड वन इज द नाइट्रोजिनस बेस जो आगे दो टाइप की है एक है प्यूरिन और एक है पीरामिडीन हम सबसे पहले पेंटोज शुगर के बारे में बात करेंगे पेंटोज शुगर इज़ ऑल्सो नोन एज फाइव कार्बन शुगर जिसके टाइप्स हैं राइबोस एंड डी ऑक्सी राइबोस शुगर आर एन ए केस में प्रेजेंट होता है वेयर एज डिओक्सी राइबोज शुगर डी एन ए केस में प्रेजेंट होता है इसको डी ऑक्सी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनकी जो सेकेंड कार्बन होता है वहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है इसी वजह से हम इसको डी ऑक्सीराइबोज बोलते हैं उसके अलावा अगर मैं नाइट्रोजिनस बेस की बात करती हूँ तो देर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट वन इज द प्यूरिन एंड द सेकेंड वन इज द पिरामिडीन प्यूरिन आगे दो टाइप की होती हैं एक है एडिनिन एंड ग्वानिन और पिरामिडीन भी आगे थ्री टाइप की होती है साइटोसिन यूरासिन एंड थाइमिन डीएनए के केस में चार नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं डेट इज द एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमीन वेरेस आर एन ए केस में भी चार नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरासिल यहाँ पर थाइमीन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से डी एन ए केस में एडिनीन कंबाइन करता है थाइमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बोंड वेयर एज ग्वानिन कंबाइन करता है साइटोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बोंड इसी हाइड्रोजन की इसी हाइड्रोजन बोंड की वजह से डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है आरएनए के केस में इस तरह की कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती और आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है इस वजह से आरएनए इतना स्टेबल नहीं होता जितना डीएनए स्टेबल होता है आई होप जितना इस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया है वो सभी आपको समझ आया है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद